प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति में तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। शक्ति में तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसू की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा, घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आज का संदेश प्रभु के दास एंड्रे गुसुरेट से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। आज सुबह के मनन के लिए हम यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 9 उसका पहला 4 कलम हम पढ़ेंगे। जॉन्स गॉस्पल चैप्टर 9 वर्स 1-4। फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके चेलों ने उसे पूछा, हे रबी, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या उसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया कि ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु इसलिए हुआ कि परमेश्वर का काम उसमें प्रकट हो। जिसने मुझे भेजा है हमें उसका काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है, इसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। सुंदर दिवस के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। ये ना 5 कलम के अंदर हमारे प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई की एक महान कार्य हम देख सकते हैं। सबसे पहली बात है 8वां अध्याय में हम उन अंतिम भागों में पढ़ते हैं, यहूदियों ने पत्थर लेकर मसीह को पत्थरवाह करने के लिए कोशिश किया। कारण इतना ही है, हमारा प्रभु ने कहा, मैं इब्राहिम को देखा और इब्राहिम मुझको देखकर आनंदित हुआ। और इस पर यहूदी ने पूछा, क्या तुम 50 साल की उम्र भी नहीं है, इब्राहिम को देखा? तो प्रभु ने कहा, इब्राहिम जन्म हुआ उससे पहले मैं हूँ। तो प्यारो, हमारा प्रभु की सनातन स्वभाव, उस अल्फा ओमेगा अनादि परमेश्वर आदि परमेश्वर, उनकी महनीयता इब्राही हिब्रुओं को यहूदियों को बताया। तब उन लोगों ने हमारे प्रभु को पत्थरवा करने के लिए पत्थर लिया। हम बढ़ते हैं, हमारा प्रभु वहाँ से निकल गया। मंदिर से प्रभु निकल जा रहे थे, तब हम बढ़ते हैं, रास्ते में एक भिखारी को देखा, एक अंधे को देखा, और प्रभु उसके पास गया। और तब उनके चेलों ने पूछते हैं, ये कौन पाप किया, इसने पाप किया या कि इनके माँ बाप ने पाप किया? तब हमारा प्रभु कहते हैं, इसने या इनके माँ बाप ने पाप किया इसलिए नहीं, परमेश्वर की महिमा इनके द्वारा होना है। हम ऐसे पढ़ते हैं, दिन अभी ज़्यादा है नहीं, अंधेरा जल्दी आ रहा है, दिने दिन का काम करना चाहिए, इसलिए मेरा पिता मुझको भेजा। जब तक मैं इस धरती में हूँ तब तक मैं उसी का सेवा करता हूँ, मैं जगत का ज्योति हूँ। प्यारो, कितना सुंदर वाणी है ये, हम सेवकों के लिए, हम प्रभु के लोगों के लिए
कितनी आनंददायक, कितनी नमूनात्मक, कितनी एक एग्जाम्पल लाइफ है हमारा प्रभु का। जब कोई हमारे ओर परेशान किया, हमको भगा रहे, हम उस जगह छोड़कर भागेंगे और बताएंगे बहुत परेशान हो रहे, उपद्रव हो रहे हैं, लेकिन हमारा प्रभु उपद्रव सहन करते हुए रास्ते में एक अंधे को सच्चा मार्ग दिखाया, रोशनी दिया। इतना नहीं प्यारो, एक भिखारी के पास कौन बैठेगा। हम यहाँ बढ़ते भिखारी के पास गया, अपने थूक से मिट्टी को कादो बना के प्रभु उसके आँखों में लगाया और उसने उसको कहा जाकर शिलोहम कुंड में अपने आँखों को साफ करे। हम बढ़ते हैं, वो अंधा आँख पाकर, रोशनी पाकर वापस आया। तब प्रभु अपने शिष्यों से कहते हैं, ये पाप किया नहीं, इनके माँ बाप ने पाप किया नहीं इसलिए ये अंधा हुआ, ऐसा नहीं है, परमेश्वर के काम इनके द्वारा हो। प्यारो, प्रभु जब मनुष्य रूप धारण करके आया तब उसकी सेवा की स्वभाव आप देख सकते हैं। वैसा नहीं देखते हैं कि किसके पास क्या काम करो। हमारा प्रभु एक अंधे के पास गया। प्यारो, आज के दिन कौन एक अंधे को पाने के लिए जाएगा, और अगर एक भिखारी के पास कौन जाएंगे, एक भिखारी का हाथ कौन पकड़ेंगे, और भिखारी का आँखों के ऊपर अपने अंगुली रखने के लिए कौन तैयार होगा। प्यारो, यहूरी जब हमारे प्रभु को पत्थरवा करने के लिए, पत्थर मारने के लिए इसलिए कोशिश किया ताकि वो बताया, इब्राहिम को मैं देखा हूँ, मैं अनादि सनातन परमेश्वर हूँ, लेकिन जब उसकी सेवा आप देखेगा तो एक मनुष्य नहीं करता, इससे नम्रता से, दीनता से हमारा प्रभु सच्चा सेवक है। प्यारो, आज सुबह हम जब उसकी सेवा करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, प्यारो ये दुनिया में हम भी ऐसा करना चाहिए, दीनता से प्रभु की सेवा करना चाहिए, नम्रता से करना चाहिए, मनुष्य से प्रेम करना चाहिए। हम ऐसे पढ़ते हैं, ये अंधा मसीह के बारे में ऐसा कहते यीशु करके एक मनुष्य मेरे आँखों के ऊपर मिट्टी का कादो लगाया, एक मनुष्य। प्यारो, उनको ऐसा महसूस हुआ एक मनुष्य है, हमारा प्रभु सच्चा मनुष्य है। अध्याय 8 में हम पढ़ते, हमारा प्रभु सच्चा परमेश्वर है, और जब वो सेवा किया तो दीनता से सेवा किया, नम्रता से सेवा किया, मनुष्यों की आवश्यकता को देखकर सेवा किया, और प्यारो उनके साथ लगाव था। क्या हमारी सेवा में ऐसा लगाव है? प्यारो, हमारा प्रभु कहते हैं दिन अभी ज़्यादा समय नहीं रहेगा, जल्दी अंधेरा हो जाएगा, हम चारों तरफ देख सकते हैं, सारे जगत के ओर देख सकते हैं, अधर्म बढ़ते जा रहे हैं, अंधेरा बढ़ते जा रहे हैं, पाप बढ़ते जा रहे हैं, मसीह का सेवा के लिए दरवाज़ा बंद होते जा रहे हैं। इन दिनों में प्यारो हम भी ऐसा सेवा करें, दीनता से सेवा करें, नम्रता से सेवा करें, मनुष्यों के नज़दीक जाके सेवा करें, जैसे लोग अंधेरा में है, दुनिया अंधकार में है। हम ऐसे पढ़ते हैं, यहूदियों को प्रभु कहते हैं जिसको आँख है वो अंधेरा में है, वो अंधा बन जा रहे है, जिसको आँख नहीं है तो वो धन्य है क्योंकि उसका रोशनी मिल जाएगा। आज मनुष्यों को आँख है लेकिन आंतरिक चक्षु बंद है, अंधा है, आत्मिक विषय पर अंधा है। प्यारो, दुनिया अंधेरा में, अंध अवस्था में आगे बढ़ रहे है। आप देख सकते हैं परमेश्वर का काम इस मनुष्य के द्वारा पूरा हुआ। प्यारो, ये मनुष्य एक भिखारी था, हमारे प्रभु उसके पास गया। कौन सोचेगा आज सुबह ऐसे एक व्यक्ति के पास प्रभु अपनी महिमा छुपा के रखकर परमेश्वर की महिमा दिखाया, रोशनी दिया। आप आज सुबह किसके पास
मसीह के सुसमाचार को लेकर जाएंगे। आइए प्यारो, हम दीनता से, नम्रता से, मनुष्यों की ओर प्रेम करके आवश्यकता के अनुसार लाचार लोगों के पास, अंधेरे में रहने वाले लोगों के पास, अंध चक्षु में रहने वाले प्यारों के पास जाके यीशु मसीह के सुसमाचार देंगे, दुनिया को रोशनी देंगे। दिन ज़्यादा नहीं है प्यारो, सुबह जल्दी अंधेरा हो जाएगा, रोशनी अभी बंद हो जाएगा, सूर्यास्त अस्तमय हो जाएगा, फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, घोर अंधकार आएगा, ये दुनिया समाप्त होंगे, दुनिया की सारी प्रवृत्ति बंद हो जाएगा। उसके पहले मसीह ने दिया सुसमाचार की सेवकाई हृदय से करे और मन से करे, मानसिक तौर पर करे, इंसानियत रखकर करे। प्रभु उसके लिए हम सबको सहायता करे। जय मसीह की।